बंडा विधायक तरवर सिंह के भतीजे लोगों का यहाँ संरक्षण हुआ है। कल बंडा में विधायक का तरवर सिंह लोधी का पुतला दहन होगा 12 बजे। सागर गांव में दलित के घोड़े पर बैठने को लेकर विवाद हो गया। घर से बारात निकलने के बाद गांव के कुछ लोगों द्वारा दूल्हे के घर मचाया गया उत्पात। गाड़ी में की तोड़फोड़, दूल्हे के घोड़े पर बैठने से थी लोगों को आपत्ति। शिकायत पर बंडा थाने में हुआ मामला दर्ज। नमस्कार, मैं हूं शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। खबर सागर से है, जहां बंडा थाना क्षेत्र के ग्राम गनियारा में उस समय विवाद हो गया जब गांव के ही कुछ लोगों ने दूल्हे के घर पर पथराव कर दिया और बाहर खड़े वाहनों में तोड़फोड़ की। सूचना पर पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचा और मोर्चा संभाला। स्थिति को नियंत्रण में लेने के बाद उपद्रव मचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। आपको बता दें, रविवार को ग्राम गनियारा में दिलीप अहिरवार की शादी थी। वह घोड़े पर बैठकर पूजन के लिए जा रहा था। इसी बात को लेकर गांव के एक पक्ष को आपत्ति थी। स्थिति गरमाते देख पुलिस बल मौके पर पहुंचा और दूल्हे की बारात निकलवाई। शाम को बारात गांव से चली गई, जिसके बाद गांव के कुछ असामाजिक तत्वों ने शादी वाले घर और आसपास के घरों पर पथराव कर दिया। वाहनों में तोड़फोड़ की गई। हंगामा होने पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रण में लिया। सागर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह ने बताया कि गांव के कुछ लोगों ने दूल्हे के घर और परिवार पर पथराव कर तोड़फोड़ की है। गांव में सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल तैनात किया गया है। मामले में फरियादी प्रमोद की शिकायत पर 20 से अधिक आरोपियों के खिलाफ बलवा समेत अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपी धर्मेंद्र लोधी समेत अन्य को गिरफ्तार किया है। कुछ संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं सागर से हमारे रिपोर्टर अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैसी की रिपोर्ट। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। मामले में जो है, एक फरियादी ने पुलिस में रिपोर्ट करी है। ऊपर से एट्रोसिटी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें कि 323, 294, 147 SC/ST एक्ट और तमाम धाराओं के इसमें समावेश है। उक्त अपराध में 4 नामजद और 15-20 अन्य लोगों के विरुद्ध अपराध पंजीयन है। उक्त प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तुरंत रूप से कार्रवाई करते हुए और अभी कुछ लोगों को अपनी अभिरक्षा में लिया है, जिसमें कि कुछ नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और बाकी संदेहियों को अपनी अभिरक्षा में लेकर पूछताछ हो रही है और उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। सर, मामला तुम लोगों से पकड़ने लगा क्या? मामला क्योंकि दो अलग अलग व्यक्तियों से जुड़ा हुआ है, उसमें एक पक्ष के द्वारा जो है रिपोर्ट की गई है, द्वितीय पक्ष के द्वारा अभी तक किसी प्रकार की इस संबंध में रिपोर्ट नहीं है। परंतु जो पुलिस के पास रिपोर्ट है एट्रोसिटी एक्ट के तहत, उसके तहत पुलिस जांच कर रही है। जांच करके उसमें विवेचना के बाद हम कार्रवाई कर रहे हैं।